खुले कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से देश में चल रहे लॉकडाउन में भूखे असहाय लोगों को भोजन व्यवस्था हेतु भूसा व्यापारी संघ द्वारा 2,12,201 रुपए की नगद राशि एवं 21 क्विंटल गेहूं का दान तहसीलदार संजय जैन को सौंपा। साथ ही फुटकर व्यापारी संघ ने 25 क्विंटल चावल, 5 क्विंटल राहर दाल एसडीएम को सौंपी। कोरोना की महामारी में खुद सामाजिक लोग और हर वर्ग के व्यापारी स्वयं से आगे आकर भूखे लोगों की मदद को प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से तहसीलदार संजय जैन ने भूसा व्यापारी संघ धन्यवाद ज्ञापित किया दिया। संवाददाता खुरे अमित दुबे, अमित दुबे की रिपोर्ट। संघ के द्वारा 2,12,201 रुपए का सहयोग राशि दी है इस प्रयोजन के लिए। हम लोग उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इसी तरह से पूरे खुरई वासियों से ये अपेक्षा करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें ताकि ऐसी विपदा जो हमारे समक्ष है उसका हम साहस और पूरे मनोभाव से हम इससे निपट सकें। व्यापारी संघ से? आप किराना व्यापारी फुटकर व्यापारी संघ से। आपने दान देने आया? आपने जी क्या दान दिया आपने? चावल 25 क्विंटल, राहर दाल 5 क्विंटल। किस पर्पस से दिया ये दान? कोरोना आपदा के लिए जो भी फंसे हुए हैं गरीब लोग, यात्री लोग, उन लोगों के भोजन व्यवस्था के लिए, और आगे भी अगर कोई समस्या होगी तो किराना व्यापारी फुटकर संघ आगे भी दान देगा।